सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे बंदे ऐसे देखे हैं जो कि ड्रेक तो मारते हैं और उनका एम भी हेड पे रहता है, बट वो जो है हेडशॉट नहीं मार पाते हैं। तो आज का वीडियो के अंदर आपको मैं एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हो तो 100% आपका ड्रेक हेडशॉट लगेगा। बहुत सारे बंदे क्वेश्चन होंगे, भाई हम डीपीआई यूज़ नहीं करेंगे। और बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि बोलते हैं भाई डीपीआई से हमारा जो डिवाइस है वो डैमेज होता है। तो हाँ, मैं इस वीडियो के अंदर बिना डीपीआई वाला हेडशॉट ट्रिक बताने वाला हूँ। और मैं खुद आपको ये चीज़ बताता हूँ कि मैंने एक महीने से अभी तक डीपीआई यूज़ नहीं किया है और मेरा हेडशॉट रेट 50% हो गया है बिना डीपीआई के। तो ये काफ़ी कूल ट्रिक है गाइस, ठीक है, और बहुत ही आसान ट्रिक है। यहाँ तक कि आपकी डिवाइस की सेटिंग के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करना है, सिंपल सा आपको एक ट्रिक दूंगा और उसी ट्रिक को आपको फॉलो करना है, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ के गाइस, मिस्टेक क्या होती है जिससे बंदे ड्रेक हेडशॉट नहीं मार पाते हैं, ठीक है। मिस्टेक मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको बहुत ही जल्द आपकी जो गलती होगी उसको सुधारने में फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। बट उससे पहले एक और चीज़ गाइस, कि अभी तक जिन लोगों ने अज्जू भाई की प्रैंक वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते, मैंने कल ही उसको अपलोड किया है, ठीक है। सो चलो अपन इस वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है गाइस एक्स्ट्रा ड्रैग। आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, बैकग्राउंड में एक मेरा वीडियो चल रहा है जिसके अंदर मैं जो हूँ, मेरे डिवाइस का जो फायर बटन है उसके ऊपर मैं फोर्स कर रहा हूँ कि वो जो है ऊपर की ओर मूव करे जिससे बंदे की हेड पे लगे और उसको हेडशॉट लग जाए, ठीक है। तो ऐसी गलती आप लोग भी ऑब्वियसली करते हो कि गाइस मतलब बंदे के ऊपर आप एम लेके बहुत ही ज़्यादा आप फायर बटन के ऊपर फोर्स करते हो, भाई फायर बटन जो है ऊपर की ओर जाए, बहुत ही ज़्यादा फोर्स करते हो, ठीक है। तो ये पहली गलती सभी बंदे करते हैं अक्सर, वो एक आध हेडशॉट लग भी जाता है और बाकी के सारे जो गोलियां हैं वो जो है रिकॉइल मार जाती है और सामने वाला बंदा आपको मार के चला जाता है, फिर आप दुखी हो जाते हैं भाई मेरे से डेक हेडशॉट नहीं लगेगा। तो ये गलती सबके साथ होती है, किन किन के साथ होती है ये मुझे कमेंट के अंदर जरूर बता देना, ठीक है। तो इसका क्या सोल्यूशन है वही मैं बताने आया हूँ, और यही चीज़ होती है गाइस डेक हेडशॉट की सबसे पहली और मजबूत कड़ी, ठीक है। तो अपन बताते हैं सबसे पहली ये मिस्टेक हो गई। दूसरी चीज़ जो है डीपीआई, गाइस डीपीआई के चक्कर में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदे पड़े हैं जो भाई डीपीआई से हेडशॉट लगते हैं। डीपीआई से गाइस पहले मैं खुद बोलता था कि डीपीआई से हेडशॉट लगते हैं, बट वो चीज़ मैंने उस टाइम पर गलत साबित कर दी जब मैंने मेरे जो डिवाइस है उसका फॉन्ट साइज जो है उसको कम और ज़्यादा किया, तो गाइस डीपीआई अपने आप कम ज़्यादा होने लगी। तो मेरे को वहाँ से ये चीज़ पता लगी भाई डीपीआई से गेम के ऊपर कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, एक माइनर सा डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो आप जो आपके डिवाइस का टेक्स्ट साइज यानी कि आपके जो फॉन्ट होते हैं उनको बड़ा छोटा करोगे ना, इतने में भी आपकी डीपीआई है वो चेंज हो जाती है। तो डीपीआई पे इतना ज़्यादा फोकस मत करिए। तो ये दोनों मिस्टेक आप भूल जाइए कि भाई एक तो एक्स्ट्रा ड्रैग नहीं मारना है, वो दूसरा चीज़ होती है कि डीपीआई के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। तो इन चीज़ों के अलावा तीसरी चीज़ होती है गाइस, अब यहाँ पे ट्रिक आती है, दो ही ट्रिक बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो पहली चीज़ होती है गाइस एम लॉक। मैंने बहुत सारे ऐसे बंदे देखे हैं कि जैसे ही सामने बंदा आया भाई एकदम से ऊपर की ओर फायर भर दिया, ठीक है, ऊपर की ओर, और उसका जो वार होता है वो खाली चला जाता है, आपकी जो गन का मुंह हो जाए आसमान में जाता है और सामने वाला बंदा आपको मार के चला जाता है। तो सबसे पहले ये शोर करिए आपकी आपका जो रेड डॉट होता है वो बंदे की बॉडी पे है या फिर कहीं पे भी उसके मतलब रेड होना चाहिए वो, ठीक है। जब आपका डॉट जो एम डॉट होता है वो रेड नहीं हुआ तो आपको उस टाइम तक फायर नहीं करना है, क्योंकि पहली गोली अगर हेड पे लगेगी तो उसी को ड्रेक हेडशॉट बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ शोर करिए कि आपका जो एम है वो बंदे की बॉडी ऊपर है या फिर कहीं पे भी है जिससे आप उसको ड्रेक मार सकते हो, ठीक है, बट वो जो है चेस्ट से ऊपर ही होना चाहिए, तब आपको बड़ी आसानी से। अब गाइस मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि ड्रेक हेडशॉट लगता कैसे है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले आपके डिवाइस के जो फ्री फायर है उसके सेटिंग के अंदर जाइए, ठीक है, और वहाँ पे कस्टम मोड के अंदर फायर बटन जो होता है ना उसका जो साइज़ कर लीजिए आप 60 से 70 के बीच, कितना भी कर सकते हो बट मस्ट श्योर कि उसका साइज़ जो है 60 से 70 के बीच ही होना चाहिए, ठीक है। अब आप फायर बटन को ध्यान से देखिएगा गाइस कि फायर बटन के ऊपर दो लेयर्स होती है, एक तो होता है ठोस वाली और एक जो है उसके ऊपर ऐसे कुछ तरल मतलब जो भी लेयर्स रहती है, ठीक है। तो अंदर वाले जो लेयर होती है ठोस, ठीक है, जो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, जो फायर बटन का साइन होता है, फायर का साइन होता है, वो जो लेयर है इतनी ज़्यादा ड्रेक होनी चाहिए कि ऊपर वाली लेयर जो होती है उसके टच हो जाए, बस इतना ही ड्रेक करना है और 100% हेडशॉट लगेगा। ये दो ट्रिक होती है गाइस हर एक प्लेयर की, हर एक प्रो प्लेयर की, जो कि कोई नहीं बताता है गाइस, ठीक है। मैं बताता हूँ कि पहली चीज़ जो होती है एम लॉक यानी कि बंदे के ऊपर आपका रेड डॉट जो है वो जाना चाहिए। दूसरी ट्रिक जो होती है गाइस कि आपका जो फायर बटन की फर्स्ट वाली लेयर होती है वो सेकंड वाली लेयर के टच हो जाना चाहिए, बस
इतना ही ब्रेक लगेगा इतनी ही आप बड़ी आसानी से बंदे को हेडशॉट मार सकते हो। यही ट्रिक होती है गाइस। इसके अलावा कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं होती है जिससे आप हेडशॉट मार सकते हो। ट्रिक होती है वो जो होती है आपकी हैकर वाली होती है, यानी कि बहुत सारे बंदे जो हैक करके मारते हैं। इसके लिए आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं हाथ में, जिससे कि आपका हाथ जो है स्मूथली स्क्रीन के ऊपर रन करे, जैसे कि पाउडर से ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बड़ी आसानी से आप इन दोनों ट्रिक का इस्तेमाल करना। सबसे पहली चीज़ जो होती है एम लॉक, और दूसरी चीज़ जो होती है गाइस कि फर्स्ट वाली जो लेयर होती है फायर बटन की, वो सेकंड वाली लेयर के टच हो जाए एक ही फायर में, ठीक है, इतने में आपका हेड लगेगा। यही ट्रिक होती है गाइस। इसके अलावा कोई भी ट्रिक नहीं होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग एक बार ट्राई करके जरूर देख लीजिएगा, इसका ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर 100% हेडशॉट लगेगा गाइस। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।